नीतीश कुमार ने सोमवार को सातवीं बार सीएम पद की शपथ ली। बीजेपी की ओर से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल ये था कि स्पीकर जेडीयू से होगा या बीजेपी से। अब बीजेपी ने इस पर अभी विराम लगा दिया है और विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के खाते में चला गया है। बता दें, नंदकिशोर यादव इस बार पूर्व स्पीकर विजय चौधरी का स्थान लेने जा रहे हैं। बिहार में हाल ही में पूरे हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली, जिसमें से नीतीश कुमार की जेडीयू को 43 सीटें मिली और बीजेपी को जेडीयू से 31 सीटें अधिक 74 सीटें हासिल हुई हैं। बता दें कि ऐसे में इस बार बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी दावा ठोका है और ये उसके खाते में गई है। बता दें कि नंदकिशोर यादव ने छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय स्वयंसेवक के रूप में समाज सेवा यात्रा शुरू करने वाले नंदकिशोर यादव का राजनीतिक सफरनामा आखिर भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद प्रारंभ हुआ। पटना नगर निगम का पार्षद चुने जाने से शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा आज इस मुकाम तक पहुंची है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि इनके अनुशासनिक संगठनों के विभिन्न पदों का सफल निर्वहन करते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष तक पहुंचना उनके लिए कर्तव्य निष्ठा और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता का प्रमाण है। वो लगातार 6 बार अपने गृह क्षेत्र पूर्व पटना विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। नंदकिशोर यादव का जन्म 26 अगस्त 1953 को हुआ। उनके पिता का नाम स्वयं पन्ना लाल यादव और मां का नाम स्वयं राजकुमारी यादव है। उनके परदादा स्वयं झालू सरदार और समय के एक प्रसिद्ध जमींदार थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शेर पालने का शौक था। उनके दादा स्वयं रामदास यादव को पक्षी पालने का शौक था। नंदकिशोर यादव अक्सर ये कहते हैं कि हम शेर से चिड़ियों पर आ गए हैं। नंदकिशोर का पुश्तैनी घर गोकुलपुर में था, जहां आज पटना लॉ कॉलेज का छात्रवास अवस्थित है। नंदकिशोर यादव 10वीं बार स्नातक की पढ़ाई शुरू की पर बीच में ही छोड़नी पड़ी। छात्र जीवन से ही वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।